मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे. स्टूडेंट वेलकम इन आवर क्लास. स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी कविता या कहानी पढ़ते हैं ना, तो आपको ये ऐसे समझने आनी चाहिए जैसे आपके सामने एक पिक्चर चली हुई, यानी कि फिल्म चली हुई है. जैसे इसमें पहले क्या हुआ था, सेकंड क्या हुआ था, फिर उसके बीच में क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ. जब आप ऐसे अपनी स्टोरी को या कविता को जब आपने अपने दिमाग में ऐसे एक पिक्चर बना लेते हो, तो बच्चों वो आपको तो हमेशा याद रहती है. दूसरा, इसके आपके जब क्वेश्चन आंसर करते हो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है बच्चों, आगे भी आप कोई कहानी या पीछे की कोई भी किसी भी लेवल की आप कोई कहानी पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो या कोई कुछ भी लिखते हो आप, तो आप उसके लिए हमेशा दिमाग में ये रखिए कि पहले क्या आना चाहिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, बीच में क्या पढ़ा, उससे आगे क्या पढ़ा. जब ऐसे कर लेते हैं तो किसी भी फिर आगे आपके आगे कोई भी किसी भी टाइप का प्रश्न पुट करे या प्रश्न पूछे, तो आप फटाफट आसानी से प्रश्न का आंसर उत्तर दे सकते हो. तो स्टूडेंट, हमारा था यह कदम का पेड़. तो आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, जिसका हम सरलार्थ कर चुके हैं कि कैसा बच्चा सोचता है कि कदम का पेड़ होता तो मैं पेड़ पर चढ़ता, और वो मतलब एक सोच रहा है. मतलब हमारे पास कई बार हम ऐसे सोचते हैं बच्चों कि हमारे दिमाग में कई चीज ऐसी हो जाती है कि मैं वहां पर जाऊंगा. जैसे आप भी सोचते हो ना कि मैं अपने नाना के घर जाऊंगा, मैं वहां पर ये करूंगा वो करूंगा, फिर नाना मेरे को डांटेंगे, नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, या अपनी दादी के पास जाऊंगा मैं थोड़ी सी चीज करूंगा, या फिर मैं ये करूंगा वो खेल लूंगा, उनके साथ ये करूंगा. तो ऐसे सोचते है ना, तो ऐसा ही बच्चा सोच रहा है इसमें, यह है कदम का पेड़, और इसमें कि कैसे वो पेड़ पर चढ़ जाएगा, फिर वो जब बांसुरी बजाएगा, बांसुरी की आवाज सुनकर उसकी मम्मी बाहर निकलेगी सब काम छोड़कर, और वो फिर क्या, वो अपने आप को पत्तों की ओट में छुपा लेगा, और फिर जब उसको नहीं पाकर उसकी माँ परेशान हो जाएगी. ठीक है बच्चों, मैंने इसका सरलार्थ भी कराया हुआ है, तो आज हम कर लेंगे इसके प्रश्न उत्तर. बाकी पहले जो बाकी इसके प्रश्न उत्तर है वो हम पहले करा चुके हैं, आज हम कराएंगे उसे आगे. कक्षा 5 के लिए विषय हिंदी पाठ्य के लिए पाठ 4, यह है कदम का पेड़. प्रश्न 4, माँ को खुश करने के लिए बालक ने क्या तरकीब सोची? क्या तरकीब सोची? जब उसने देखा ना कि उसकी माँ परेशान हो गई है और भगवान से विनती कर रही है, फिर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को कैसे खुश करूं. तो आपने कविता पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि माँ को खुश करने के लिए बालक ने तरकीब सोची कि जब माँ विनती करने के लिए ध्यान लगाई होगी, तब वह चुपके चुपके पेड़ से उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छुप जाएगा. यानी कि जब उसने क्या सोच रही है, सोच रहा बच्चा कि जब उसकी मम्मी क्या विनती करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि हे भगवान मेरे बच्चे को बचाओ या फिर इसको नीचे उतारो कहीं चोट ना लग जाए, तो वो आंखें बंद किए कर रही होगी और वो फिर चुपके चुपके पेड़ से उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छुप जाएगा. फिर माँ के आंख खोलने पर माँ खुश हो जाती, यानी कि जब माँ आंख खोलती तो वो खुश हो जाती. ये तरकीब किसने सोची है? बालक ने. किसको खुश करने के लिए? अपनी मम्मी को, अपनी माँ को खुश करने के लिए. मैं दोबारा फिर लिखवा देती हूँ, बोल बोल कर लिखना. जब भी आप राइट करें हमेशा बोल बोल कर लिखें. एक तो आपको उच्चारण है वो शुद्ध होगा, और आपको जो हिंदी बोलने की है कि हमें कैसा बोलना, किस तरीके से बोलनी चाहिए हिंदी का, कहां पर बड़े ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा, इसको उच्चारण उसके हिसाब से बोला जाएगा. माँ को खुश करने के लिए बालक ने तरकीब सोची कि जब माँ विनती करने के लिए ध्यान लगाए हुए होगी, तब वह यानी कि वो बच्चा चुपके चुपके पेड़ से उतरकर यानी कि धीरे धीरे बिना आवाज हुए पेड़ से उतरकर माँ के फैले हुए आंचल के नीचे छुप जाएगा.
फिर माँ के आंख खोलने पर माँ खुश हो जाती, यानी कि जब वो अपना आंचल हटाती तब माँ सामने अपने बच्चे को पाती, फिर वो खुश हो जाती। हमारा अगला प्रश्न है पांच, प्रश्न पांच, माँ गुस्सा होकर बेटे को किस लिए डांट रही है, किस लिए डांट रही है, वो उसका क्या कर, क्या नहीं कर रहा, वो उसको नीचे आने के लिए बोल रही है, कहां से नीचे आने के लिए, पेड़ के ऊपर, तो माँ को क्या डर था, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, इसीलिए माँ बच्चे को, एक बार तो आपको भी जब आप कहना नहीं मानती तो गुस्से में डांटती है ना, डांटती है ना, कि एक बार जो आपको बोल दिया कि बच्चे नीचे उतर जाओ, बेटा नीचे उतर जाओ, लेकिन जब आप नहीं मानते हो तो मम्मी गुस्से में बोलती है ना, तो ऐसे ही ये बच्चा सोच रहा है कि पेड़ की डाली पर बैठा हुआ देखकर माँ गुस्सा होकर बेटे को नीचे आने के लिए कहती हुई डांट रही है, कि नीचे आ जाए, इसलिए वो डांट रही है कि टहनी से कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, इसलिए वो बच्चे को नीचे आने के लिए इसलिए डांट रही है। ठीक है, आप भी ऐसे बोल बोल कर लिखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छह, अंत में माँ क्यों खुश हो जाती है। देखो माँ परेशान थी, किस लिए थी, बच्चे के लिए परेशान थी, वो नीचे नहीं आ रहा था, और फिर खुश कैसे होगी, जो बच्चा नीचे आ जाएगा उसके सामने होगा। अंत में माँ खुश क्यों खुश हो जाती है, माँ अपने प्यारे बेटे को अपनी गोदी में ही पाकर खुश हो जाती है। फिर दोबारा बता देती हूँ, माँ अपने प्यारे बेटे को अपनी गोदी में ही पाकर खुश हो जाती है, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, इससे आगे क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन और है कि यह कविता किसने लिखी है। ठीक है, अभी मैं इसके अगला क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, साफ साफ लिखना आपको भी। यह कदम का पेड़ नामक कविता, कविता की कवित्री कौन है, बोलकर लिखना है। यह कदम का पेड़ नामक कविता की कवित्री, कविता लिखने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। बच्चों ये देखो कविता का नाम, ये भी कोमा के अंदर, कोमा के अंदर होना, कोमा के अंदर होना चाहिए, और जो ये नाम लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी कोमे के अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हमने अपने यह कदम का पेड़ कविता के कंप्लीट कर लिया है। इस कविता के हमने प्रश्न उत्तर भी लिख लिए हैं, तो आप इसके शब्द अर्थ याद करें पहले, फिर
सरलार्थ याद करें, उसके बाद आप इसके प्रश्न उत्तर याद करें, ठीक है बच्चों। और जो भी काम करें आप ये समझ के करें, ये नहीं कि आपको थोड़ी देर के लिए आपको रट्टा मार रट्टा, नहीं, बिल्कुल समझ कर करना है। जब आप समझ कर करते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, और अगर रट्टा मारोगे तो वो आपको थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा। और हमेशा जब भी आप कोई भी चीज याद करें, समझ कर याद करें, तो उसको लिखकर जरूर देखें। क्या? लिखकर जरूर देखें, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।